हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू प्रेपाइस। प्रेपाइस पे आपका स्वागत है। तो आज मैं दूंगा टारगेट्स आपको 4th और 5th सितंबर, यानी सैटरडे और संडे के लिए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा पोर्शन हमने बीच में थोड़ा इजी लिया था, इसलिए संडे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और संडे को टेस्ट भी है। साथ ही साथ जो लाइव सेशन होगा वो, उसका भी टाइमिंग आप देखते रहना, कम्युनिटी में आप अपडेटेड रहना। तो कम्युनिटी में आपको बता देंगे कि वो जो लाइव डाउट सेशन होता है जिसमें आप लाइव अपने जो है डाउट्स वगैरह जो आपको इसमें इश्यूज आ रहे हैं वो सब पूछ सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, इससे पहले मैं आपको टारगेट्स बताऊं, एक कोट जो मुझे आप लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट लगा वो है, द स्ट्रगल यू आर इन टूडे इज डेवलपिंग दी स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। यानी अगर आज ये जो आपको ये टारगेट्स मुश्किल लग रहे हैं करने में, स्ट्रगल आ रहा है, ओके, कभी कुछ हो जा रहा है, कुछ छूट जा रहा है, फिर थोड़ा स्ट्रेस टेंशन हो रहा है, ठीक है, नेचुरल है। बट अगेन रिमेंबर, ये जो आज आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, कल को जब आप 2022 का या 2023 का एग्जाम दोगे तो उसके लिए ये आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, कि उस एग्जाम को जब आप दोगे तो उसको अच्छे से क्रैक कर पाओ, उसी के लिए आप ये अभी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो। तो हमेशा जब भी कभी आपको ऐसा टारगेट्स करते वक्त लगे कि यार बहुत मेहनत हो रही है, गिव अप करने का मन, या पढ़ाई ना करने का मन करे, तो रिमेंबर एट दैट टाइम, उस समय ये हमेशा याद रखना कि जो अभी का ये जो संघर्ष है या स्ट्रगल है आपका अभी का, ये आपको कल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये एक मोटिवेशन दीजिए या एक रिमाइंडर रखिए अपने पास हमेशा, कि जो आज आप मेहनत या स्ट्रगल कर रहे हो या संघर्ष कर रहे हो वो आपको कल जरूर हेल्प करेगा। पर अगर आज आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो कल फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी चीज, कई लोग बोल रहे हैं उनका बैकलॉग हो गया, या कई लोग जो है न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, कई लोगों ने अभी बीच में देखा इनिशिएटिव का। तो देखो, जो लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगा आप डे वन से स्टार्ट कर दो, ठीक है? आप जाओ, सारा प्लेलिस्ट बनाए, डे वन से स्टार्ट करो, करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं। आप 10-12 दिन लेट हो, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, आप डे वन से स्टार्ट करो और आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करो, ठीक है? क्योंकि कुछ टारगेट्स बहुत ईजी है, ठीक है? जिस दिन ईजी टारगेट, जिस दिन शुरुआत का पहला हफ्ता, तो बहुत ईजी है, ठीक है? उसमें बहुत ईजी टारगेट्स दिए गए थे, राइट? तो आप डे वन से स्टार्ट करो और ज्यादा मेहनत करो, एक दिन में 2 दिन के टारगेट्स कवर करने की कोशिश करो, ठीक है? 2 दिन या 1.5 डे के टारगेट्स, ठीक है? तो जो न्यू कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं, जिनका बैकलॉग हो गया है तो अब ये 2 चीजें कर सकते हैं, या तो फिर अपना 1 आवर सेपरेट निकाल लें दिन में कि ये जो मेरा बैकलॉग जो छूट गई है चीजें उनको कवर करने के लिए, या फिर ये कर सकते हैं कि मान लो आज का दिन है आपका, ठीक है, या मंडे का है, अब मंडे को आप हॉल्ट कर दीजिए, मंडे ट्यूसडे 2 दिन लीजिए, जो भी बैकलॉग है बैठ के पूरा सुबह से शाम क्लियर करोगे, ठीक है? सुबह से शाम बैठ के क्लियर करना है बैकलॉग, एक जैसे आप पढ़ते हो ना किसी एग्जाम के लिए, राइट? एक दो दिन वैसे सोच के पढ़ के उसको क्लियर कर दो, और उसके बाद जो 2 दिन का होगा कोई बात नहीं, 2 दिन का गैप आए वो धीरे धीरे आप ज्यादा मेहनत करके कवर करने की कोशिश करना। ये चीज जब करनी जब आपको बहुत ज्यादा बैकलॉग है, अगर कम बैकलॉग है तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा निकालिए कहीं सुबह शाम कभी भी, और उसमें जो है बैकलॉग वाला काम करने की कोशिश करिए, ठीक है? सो एसेंशियल टारगेट्स रहते हैं आपके सेम सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स। और देखो, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें एसेंशियल में, देखो ऑप्शनल जरूर करो। अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा मेरी बात का, पर आप कितने भी लोगों से पूछो, ऑप्शनल आईएएस बनना है, टॉप 100 के अंदर रैंक लानी होगी, तो टॉप 100 के अंदर रैंक लानी है तो ऑप्शनल इज द की, ऑप्शनल ही चाबी है, ठीक है? ऑप्शनल में लोग, कई लोग होते हैं कि जीएस में एवरेज मार्क्स आए, ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो क्लियर करें। तो प्लीज जो ऑप्शनल को आपको बोला गया है 1-2 घंटे अभी से दो, तो दीजिए उसको, आराम आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है, ठीक है? पर दीजिए जरूर 1 घंटा एटलीस्ट दीजिए ऑप्शनल को, ठीक है? इसको भी एक एसेंशियल पार्ट बनाइए, क्योंकि ऑप्शनल अगर आपका अच्छे से हो जाता है तो काफी आपको जो है, मतलब आप एक तरीके से काफी आगे हो जाते हो कई लोगों से, ठीक है? तो ये हो गया, तो दोनों, 2 चीजें, करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट, ठीक है? अब देखो रिमाइंडर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये रिमाइंडर कब किस लिए, जब भी कुछ भी पढ़ो ये उसके लिए रिमाइंडर है। पहली चीज तो, अब आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे होपफुली अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? प्लीज और कंटिन्यू करते रहिए, 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के देखिए, 3-4 क्वेश्चन मेंस के देखिए, बस देखना है, देख के समझना है कि क्या पूछ रहा है यूपीसी, कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है, ठीक है? बस ये करना है, ठीक है? आंसर करने की टेंशन अभी मत लीजिए, ठीक है? अब जो भी आप पढ़ते हो, वो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको सिलेबस से जरूर रिलेट करिए, करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स में मैं आपको अभी मैं बताता हूँ उसके टारगेट्स। करंट
करंट अफेयर्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि रीड ओनली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो ये कैसे पता लगाओगे? अब आई होपफुली आप जब चीजों को रिलेट करते रहोगे सिलेबस से तो आपकी एक स्किल डेवलप हो गई होगी, ठीक है। तो ये है, तो चलिए पहले आप अपना स्टैटिक टारगेट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको करना है चैप्टर 7 फेडरलिज्म, राइट। और यहाँ पे हम यहाँ तक कर चुके थे। तो जब देखो अब कैसे करना है, पहले चैप्टर 7 पढ़ना है फेडरलिज्म, ठीक है। इसमें चीजें पढ़ोगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आइडियाज पढ़ोगे, सेम चीजें या तो रिपीट होंगी या फिर लिंक होंगी। ये तीन चैप्टर में, ये तीन चैप्टर में जो है ये तीनों फेडरलिज्म के रिलेटेड है, तो वो पढ़ना है। और ये तीनों चैप्टर में सेम चीजें लिंक होंगी। तो ये आई वुड से कोशिश करना फोर्थ को कर लो, ठीक है। फोर्थ को हो सकता है ना हो फोर्थ को कुछ पार्ट, तो जो है आप बचा हुआ ये जो है करना है आपको फिफ्थ, ठीक है। 5 सितंबर को ये करना है, 4 सितंबर को ये करना है। हो सकता है कुछ जो फोर्थ का ना हो तो वो फिफ्थ को कर लेना, ठीक है। फिर फिफ्थ को जो है अपना टेस्ट भी देना है, ठीक है। आई नो थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट अगेन कोशिश करो, मेहनत करो। रिमेम्बर जो स्ट्रगल अभी है, चैलेंजेस अभी है, वो आपको कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम अभी से, ठीक है। अगली चीज जो भी है आपको हेल्प करने के लिए, राइट, ये पॉलिटी की प्लेलिस्ट है, उसमें से इमरजेंसी चैप्टर जब पढ़ रहे होगे तो नॉट 9, दिस इज सॉरी 10, दिस इज लेक्चर 10, ओके। ध्यान रखना दिस इज लेक्चर 10, ठीक है। बाकी लेक्चर 11 एंड 12 ये है। ये सारे लिंक्स आपको एक जगह डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आपको इधर उधर जाने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो हर चीज आपके पास एक जगह है, आपको पता भी है क्या करना है, आपको ये भी पता है कैसे करना है, अब क्या करना है बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स का सेम रहता है। एंड ऑप्शनल देखो इसको मजाक में मत लेना, ठीक है। मैं अदर सजेशंस में बोल रहा हूँ, बट मैं सून इसको जो है चाहूंगा कि आप ऑप्शनल पे टाइम दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शनल के हम आपको टारगेट्स और गाइडेंस इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि इतने सारे ऑप्शनल हैं, हर किसी के अलग अलग हैं, ठीक है। तो हर किसी के लिए बताना बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप 1-2 घंटा ऑप्शनल पे दो, टॉपर के वीडियोस देखो, ये देखो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, उनसे देख के प्लानिंग करो अपनी, और फिर ऑप्शनल को 1-2 घंटा जरूर दो। अभी से दोगे बड़े आराम से आपका ऑप्शनल कवर होगा और बहुत अच्छे से कवर होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शनल में भी ये चीज करना, जो भी चीज पढ़ रहे हो सिलेबस से रिलेट करना, प्लस जो भी चैप्टर अपने ऑप्शनल का पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना, ओके, ये जरूर करना है, ठीक है। बाकी हाँ अगर उसके बाद भी, वैसे मुझे लगता नहीं टाइम बचेगा, बट इफ यू फील लाइक यू कुड सी दीज इनिशिएटिव्स, ओके। ये तो हार्डली अराउंड 20 मिनट्स का होता है, राइट, खाना खाते हुए वगैरह ये देख सकते हो, राइट। ये कुछ एडिशनल चीजें जो आप ऐसे अपने फ्री टाइम में, जो बीच के टाइम में कर सकते हो, ताकि आपका दिमाग को एक आंसर राइटिंग के बारे में चीजें पता चले, राइट। सो अगेन इफ यू आर नॉट अ बिगनर एंड इफ यू हैव टाइम यू कैन डू दिस, ठीक है। बाकी ये 6 आवर्स को आप प्लीज अब 8 आवर्स कर देना, ठीक है, मेक इट 8 आवर्स, ओके। बाकी जो प्रोग्रेस है आपका कॉमेंट्स में लिखिए, राइट, प्लीज राइट इट डाउन इन द कॉमेंट्स, ओके। एंड अगेन जो लोग वर्किंग है, राइट, आई नो उन लोगों के लिए 8 आवर्स मुश्किल होगा, तो प्लीज अभी जितना हो सकता है आप उतना करिए, आप स्मार्टली करिए चीजों को। कुछ चीजें जो आप स्किप करके कर सकते हैं स्किप करके करिए, बट अगेन कोशिश करिए कि टारगेट जो एसेंशियल वाले हैं एटलीस्ट वो जरूर अचीव करिए। एंड डू मेंशन योर प्रोग्रेस, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि आप लोगों का बैकलॉग है, तभी तो मैंने आपको आंसर किया इधर या कुछ नए स्टार्ट करें। तो इसीलिए कमेंट्स में जरूर अपना प्रोग्रेस बताएं, इश्यूज आ रहे हैं वो जरूर बताएं, ठीक है। तभी इस डेली गाइडेंस इनिशिएटिव का मतलब ही है कि डे टू डे बेसिस पे आपके फीडबैक के बेसिस पे हम आपको हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज इट। अल्टीमेटली कोई भी डाउट क्वेरी है कॉमेंट्स में पूछिए, मेल कर सकते हो हमें, गूगल फॉर्म जो है आपका इस वीडियो में उसमें डाल सकते हो, राइट। हो सकता है पॉसिबली कभी कभी कमेंट्स में रिप्लाई करने में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट दैट्स बिकॉज क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, हम कोशिश करते हैं हर किसी को रिप्लाई करें, ठीक है। बट अगेन डोंट वरी, आपके पास 3 एवेन्यूज हैं। अगर किसी एक एवेन्यू में आपका डाउट आंसर ना हो तो आप बाकी दूसरे 2 एवेन्यूज भी ट्राई कर सकते हैं, वी विल गारंटी कि आपका डाउट कहीं ना कहीं तो आंसर हो ही जाएगा, ठीक है। लास्टली ये जो पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए ये जो पीडीएफ, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।